नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 26 है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। निम्न में से कौन सा लिनक्स का फ्लेवर नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यह क्वेश्चन लिया गया है। निम्न में से कौन सा लिनक्स का फ्लेवर नहीं है? लिनक्स का फ्लेवर मतलब लिनक्स के वर्जन को कहा जाता है, लिनक्स के फ्लेवर। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इसी प्रकार से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जिन्हें कहा जाता है लिनक्स के फ्लेवर्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल फ्लेवर, मल्टीपल वर्जन अवेलेबल हैं, और लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके मल्टीपल फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। Ubuntu लिनक्स का एक फ्लेवर है, CentOS और Fedora ये तीनों ही लिनक्स के फ्लेवर हैं, मतलब लिनक्स के वर्जन हैं, लेकिन Python लिनक्स का वर्जन नहीं है। Python तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स के जो फ्लेवर होते हैं, मतलब लिनक्स के वर्जन, Ubuntu, CentOS, Fedora, यह सभी लिनक्स के फ्लेवर हैं, वर्जन हैं, लेकिन Python तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Python। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है? जब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें कई प्रकार की डिवाइस यूज की जाती हैं, मल्टीपल टाइप की डिवाइस यूज की जाती हैं। उन्हीं डिवाइस में से एक डिवाइस होती है राउटर। राउटर इसका मतलब है जो रूट डिसाइड करता है, रास्ता डिसाइड करता है। नेटवर्क में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने के लिए एक अच्छे रूट की आवश्यकता होती है, वह रूट डिसाइड करता है राउटर। राउटर और एक राउटर पर पैकेट जब आता है तो राउटर चेक करता है कि यह पैकेट किस डेस्टिनेशन तक जाना है, और एड्रेस को चेक करने के बाद राउटर उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। मतलब नेटवर्क में जो डेटा के पैकेट्स होते हैं, डेटा के पार्ट्स को कहा जाता है पैकेट, पैकेट को राउटर चेक करता है और सही रूट से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। मतलब नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है, राउटर का। यहाँ पर आपको रिपीटर को भी समझना है। रिपीटर, रिपीटर जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, यह रिपीटर है, रिपीट करता है। वीक सिग्नल को, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है रिपीटर। जब डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पर, अधिक दूरी पर सेंड किया जाता है नेटवर्क में, तो डेटा के सिग्नल एक फिक्स दूरी के बाद वीक पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनको वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। और मॉडेम जो होता है, यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को, मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिले। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम होता है राउटर का, और यह एक पैकेट को सही रूट भी देता है, सही रास्ता प्रदान करता है किस रूट से हमारा डेटा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। रिपीटर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फॉर्मूला C=A² + B² को टाइप करने के लिए किस फीचर्स का उपयोग किया जाएगा?
यदि हमें यह फॉर्मूला टाइप करना है डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में, तो हमें कौन सा फीचर यूज करना होगा? स्क्वायर लगाया गया है यहाँ पर, स्क्वायर आप देख सकते हैं ए के ऊपर स्क्वायर है और बी के ऊपर स्क्वायर है। जब हमें कोई टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना होता है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट का। और यदि नॉर्मल टेक्स्ट से कोई टेक्स्ट नीचे लिखना होता है तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे सामने दिया गया है, इस फॉर्मूला में 2 को सुपर स्क्रिप्ट करके लिखा गया है। और यदि कोई शब्द कोई वर्ड नीचे लिखा जाता है नॉर्मल टेक्स्ट से, जैसे कि हमने लिखा CO2, 2 को नीचे लिखा गया है, तो इसके लिए यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल के साथ इक्वल होती है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस से टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट किया जा सकता है, और कंट्रोल के साथ इक्वल से टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें यह फॉर्मूला टाइप करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट फीचर को यूज करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने की क्या शॉर्टकट की है? एमएस एक्सेल में जब हम कोई फाइल तैयार करते हैं, फाइल बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। और एक एक्सेल की फाइल में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। जब हम मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें कुछ कंडीशन में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाना होता है। तो यदि हमें एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? यहाँ पर आपको दो शॉर्टकट की याद करनी है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस पेज अप से हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं। तो वर्कशीट नेविगेशन के लिए आप दोनों शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम अगली वर्कशीट पर जा सकते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और प्रीवियस वर्कशीट पर आना है हमें तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज अप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है? आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए नॉर्मल शॉर्टकट की को तो पढ़ा होगा, जो कि होती है कंट्रोल प्लस पी। नॉर्मल जो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है वह होती है कंट्रोल प्लस पी। यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसका यदि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की नॉर्मल होती है कंट्रोल प्लस पी। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में कंट्रोल प्लस पी नहीं दिया गया है, मतलब प्रिंट ऑप्शन को हम किसी दूसरी शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। वह शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से भी हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl Shift Plus F12 से भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? ARP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क का ARP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? DDR का फुल फॉर्म हमें यह बताना है। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। यह रैम के टाइप होते हैं, जो कंप्यूटर में रैम यूज की जाती है उसके टाइप होते हैं DDR1, DDR2, DDR3, और DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज विस्टा एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। विंडोज विस्टा क्या है?
विंडोज विस्टा एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। विंडोज विस्टा क्या है हमें यहाँ पर यह बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो XP, उसी प्रकार से विंडोज का एक वर्जन है विंडोज विस्टा। तो विंडोज विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज विस्टा, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, यह सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं। और विंडोज विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। एमएस एक्सेल में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेटा को ग्राफिकली या ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। जब हम एमएस एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं, और उस डेटा को यदि हमें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, चित्रों के द्वारा दर्शाना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। फॉर्मूला, चार्ट, पाइवोट टेबल या फिल्टर। फॉर्मूला के द्वारा तो कैलकुलेशन किया जाता है, पाइवोट टेबल हमारे डेटा की समरी प्रोवाइड करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है, फिल्टर के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से आवश्यक डेटा को फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बच रहा है वह है चार्ट। चार्ट के द्वारा हम टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपको चार्ट की शॉर्टकट की भी याद करनी है, F11 के द्वारा हम MS Excel में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। F11 शॉर्टकट की के द्वारा हम MS Excel में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप F11 से चार्ट क्रिएट करेंगे तो यह चार्ट एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट होगा। अलग वर्कशीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है उस वर्कशीट पर चार्ट नहीं बनेगा, एक न्यू वर्कशीट क्रिएट होगी जिस पर चार्ट क्रिएट हो जाएगा। और यदि आप सेम वर्कशीट पर चार्ट बनाना चाहते हैं, सेम वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी है उसी वर्कशीट पर यदि आपको चार्ट बनाना है तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट और उसको बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+F1। MS Excel में डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है, और चार्ट बनाने के लिए हम दो शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। यदि आपको न्यू वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की होती है F11, और सेम वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट करना है, एम्बेडेड चार्ट क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट की होती है Alt+F1। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही कई क्वेश्चन तैयार करने मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंडआउट किससे संबंधित है। हैंडआउट किससे संबंधित है, स्प्रेडशीट से, डॉक्यूमेंट से, प्रेजेंटेशन से या ऑडियो से। हैंडआउट, हैंडआउट पावर पॉइंट का एक ऑप्शन है। हैंडआउट पावर पॉइंट में यूज किया जाता है। हैंडआउट जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने शो करते हैं, ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑडियंस को प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक प्रिंटआउट दे दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, जिसे कहा जाता है हैंडआउट। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, कोई टॉपिक समझाने वाले हैं, तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ऑलरेडी पहले से आपको एक प्रिंटआउट दे दिया जिसमें यह जानकारी है कि हमारी प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर है, हम कौन कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को प्रोवाइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हैंडआउट। हैंडआउट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन के साथ हैंडआउट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंडआउट प्रेजेंटेशन से संबंधित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। यदि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा है और हमें उसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में, फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करना है तो उसे क्या कहा जाता है। अरेंजिंग, मैनेजिंग, सॉर्टिंग या रिकॉर्डिंग। तो जब हमारे पास डेटा अधिक मात्रा में होता है और डेटा को हमें एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करना होता है उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग के द्वारा डेटा को एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। सॉर्टिंग भी दो प्रकार की होती है, असेंडिंग सॉर्टिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग।
असेंडिंग सॉर्टिंग में डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है और डिसेंडिंग सॉर्टिंग में डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया जाता है। मतलब डेटा को लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम चार प्रकार के अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, चार प्रकार के, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। चार प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट, लेकिन रेगुलर नाम का कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। आपको चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की भी याद होनी चाहिए। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ L, कंट्रोल प्लस L। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस E। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस J। जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं और चारों अलाइनमेंट की अलग अलग शॉर्टकट की भी होती है, लेकिन रेगुलर कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्लैंक है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्लैंक है, मतलब हमें यह बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है। वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है और वेब ब्राउजर का यूज किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल प्रोग्राम ओपन है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन है और हमें उन सभी सॉफ्टवेयर के बीच में नेविगेशन करना है, मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल प्रोग्राम ओपन होते हैं और हमें प्रोग्राम को स्विच करना होता है, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना होता है, तो उसके लिए ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब से हम एक सॉफ्टवेयर से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। एमएस एक्सेल का यह क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट यूज करते हैं, एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। यदि हमें एमएस एक्सेल की वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो हम क्या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको दो शॉर्टकट की याद करनी है। ऑल्ट आई सी से, ऑल्ट आई सी से एमएस एक्सेल में कॉलम इंसर्ट किया जाता है और ऑल्ट आई आर से एमएस एक्सेल में रो को इंसर्ट किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में यदि आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट आई सी और रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट आई आर। यहां पर आपको एक और शॉर्टकट की भी याद रखनी है। कंट्रोल के साथ प्लस से भी रो और कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। यदि आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर कॉलम इंसर्ट होगा और यदि आपने रो सेलेक्ट करी है तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर रो इंसर्ट हो जाती है। और यदि आप रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस माइनस। यदि आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम डिलीट होगा और आपने रो सेलेक्ट करी है तो रो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर चार पांच क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। एमएस एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है ऑल्ट आई सी और दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस। इसी प्रकार से रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट आई आर
और रो को भी हम कंट्रोल के साथ प्लस से इंसर्ट कर सकते हैं, और यदि हमें रो या कॉलम को डिलीट करना है तो हम कंट्रोल माइनस का यूज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ट आई सी से हम एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल वर्कशीट को मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है? जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है हम उसे मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट को मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। 400% तक एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसे मैक्सिमम मतलब अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में यदि हमें फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज को चेंज करना होता है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने पर टेक्स्ट की साइज बढ़ जाती है, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने पर टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है हमें फॉन्ट साइज को यदि सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करना है, मतलब यदि अभी हमारी फॉन्ट साइज 10 है और हमें बढ़ाकर इसे 11 करना है या 11 से 12 करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट से, जो क्लोजिंग वाला बिग ब्रैकेट है इससे फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया जाता है, और कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट जो ओपन वाला है, ओपन बिग ब्रैकेट इससे डिक्रीज किया जा सकता है। यह दोनों शॉर्टकट की सिंगल सिंगल पॉइंट पर वर्क करती हैं, मतलब एक एक पॉइंट फॉन्ट साइज को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। कंट्रोल के साथ क्लोज बिग ब्रैकेट से फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट इंक्रीज किया जाता है, और कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट को प्रेस करने पर फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस शॉर्टकट की के द्वारा हम सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था? कंप्यूटर जीके से लिया गया है यह क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल वर्जन अभी तक आ चुके हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन रिलीज किया गया था वह रिलीज किया गया था 1985 में, 1985 में। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन 1985 में रिलीज किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है हमें यहाँ पर यह बताना है। कंपाइलर, कंपाइलर आपने सुना होगा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक लैंग्वेज प्रोसेसर है कंपाइलर, लैंग्वेज प्रोसेसर, इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। जो कंपाइलर है उसे लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है, और कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह सभी लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं, किसी भी फाइल का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले उसे चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट को, फाइल को प्रिंट करने से पहले हमें यह चेक करना होता है कि हमारा प्रिंट आउट प्रॉपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, पेज साइज सही है या नहीं है, हमारी जो पेज के बॉर्डर है, मार्जिन है, वह सभी प्रॉपर सेट है या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए
प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है, और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।